हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब्स या कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर प्लेस करेंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, इसके बारे में हम लोगों ने, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, उस सिचुएशन में एक फोर्स लगता है ना, क्या लगता है, अब फोर्स क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ इससे पहले मैंने बताया था कि आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और ऑलवेज सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये तभी होता है जब स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स मच लार्जर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। यदि दो प्लेट के बीच जो सेपरेशन दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ क्या मान लिया, डी, उनके बीच सेपरेशन मान लिया, और ए क्या है, ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, तो एक कंडीशन तभी हम मानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी हो सकता है जब क्या होगा कि व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, देन वी निग्लेक्ट द फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये तभी होता है। अब क्या होता है कि फ्रिंजिंग फील्ड क्या होता है या फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो क्या होगा, आप देखें जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि एज पे आप देखेंगे नियर टू द एज, नॉट इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट इफ वी कंसीडर नियर पॉइंट नियरर टू द एज, देन वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज या इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर लिटिल बिट बेंडेड अबाउट द क्या होगा, कॉर्नर या अबाउट द एज। हमने यहां दिख रहा है कि यहां क्या है, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आइडियली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, पॉजिटिव से क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, तभी क्या हम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, बेंडेड है, यहाँ भी क्या है, बेंडेड है। इस इफेक्ट को बेंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द एज ऑफ या नियर द एज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसी को फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को क्या किया था, निगलेक्ट कर दिया था, अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे कि उसके फ्रिंजिंग इफेक्ट का भी कुछ यूज है, उस यूज को उसका एडवांटेज है, एडवांटेज भी होता है और क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसके एडवांटेज का यूज कर रहे थे कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम क्या कर रहे थे, निगलेक्ट कर दिए थे, है ना, और फिर उसको हम कंसिडर करके ये कंसिडर किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच क्या होगा, फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म कंसिडर करके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखा था, या अभी तक हमने वही कंसिडर। लेकिन अब यदि आप यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे तो व्हेन एवर यू प्लेस एनी डायलेक्ट्रिक स्लैब, अब देखो यदि हम क्या करें कि यही मान लो कि क्या है, डस्टर डायलेक्ट्रिक स्लैब है, और यदि आप इसको ऐसे रखोगे, छोड़ दो, ऐसे आप छोड़ दो, तो क्या अपने से अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा क्यों, यदि मैं फ्रिंजिंग इफेक्ट को छोड़ दूं, नहीं कंसीडर करूं, तो आपको मैंने बताया था अभी हमने पहले ही इसके पहले लेक्चर में पहला पॉइंट यही था कि इंड्यूस चार्ज ऑन द क्या होगा, सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो जैसे ही आप क्या करोगे, स्लैब को अंदर रखोगे तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस चार्ज अपीयर होगा, और उस चार्ज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इस कंडक्टिंग प्लेट पे क्या है, जो चार्ज है उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब जैसे ही आप रखोगे तो देखो यहाँ क्या है, ये फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो व्हेन द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन इट्स कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और यदि कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो इसके अलोंग फोर्स कौन लगाएगा, फिर तो आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, यही ऐसे ही रुका रहेगा, इसी प्लेस पे क्या होगा, यदि ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है तो इसी जगह रुका रहेगा, ये ऐसे मूव नहीं करेगा। लेकिन
क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि व्हेन एवर यू क्या यू रिलीज एनी डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द मोशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब विल बी क्या होगा पीरियोडिक इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप छोड़ते हो तो क्या होगा इस क्या होगा क्या होगा कि इस सरफेस पे डायलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे क्या होता है एक फोर्स लगता है जो क्या करता है इसको क्या करता है पुल करता है अंदर, ठीक है। तो उसी को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कि कितना फोर्स लगता है उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पहले हम क्या लिखेंगे, अब हम ए लिख लेंगे क्या कि ड्यू टू क्या होगा फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा यहां लिख लेंगे क्या होगा ड्यू टू फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड आई मीन रिलीज इनसाइड द क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड बिकॉज ऑफ दैट द डायलेक्ट्रिक स्लैब विल मूव बैक एंड फोर्थ इनसाइड द क्या होगा बैक एंड फोर्थ इनसाइड द क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हेंस दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा पीरियोडिक फोर्स, क्या होगा पीरियोडिक मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और ऐसे ही बोल सकते हैं क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, है ना, ठीक है, क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ यहां लिख लेंगे बिकॉज ऑफ यहां लिखेंगे व्हेन क्या होगा व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे फोर, देखो यही क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप थोड़ा इस पे चार्ज क्या है, इधर प्लस चार्ज है और इधर क्या है माइनस चार्ज। अब हमने क्या किया देखो इस पे क्या किया कुछ पार्ट, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कुछ पार्ट क्या है अंदर रखा गया है ऐसे। अब देखो थोड़ा सा थोड़ा मैं इसको कम दिखाता हूँ कि लेकिन आप ये कंसीडर करना है ना, यही क्या है डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका लेंथ भी क्या होगा इसके क्या होगा लेंथ, और यहाँ दो तरह से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब हमने क्या किया कि इसको एक बैटरी से भी हमने क्या किया है कनेक्ट कर दिया, क्या होगा एक बैटरी से हमने क्या किया है इसको कनेक्ट कर दिया, दो तरह से क्या है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, यहाँ लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा फर्स्ट जो टाइप है कि व्हेन क्या होगा व्हेन बैटरी इज क्या होगा कनेक्टेड, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है, क्या होगा यही क्या है स्लैब है, ठीक है स्लैब, और ये स्लैब जो है इसके अंदर कितना एक्स गया है। अब आप बोलो कि इस पे देखो इस पे क्या होगा चार्ज क्या होगा इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस पे क्या होगा चार्ज माइनस इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा फील्ड जो होगा वो क्या होगा फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगा ऐसे, इधर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, तो इधर क्या होगा फोर्स कुछ, ठीक है, तो यही क्या हुआ दिस इज नथिंग बट द क्या होगा फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड ई वी दिस इज नथिंग बट द क्या होगा फ्रिंजिंग, ठीक है, क्या होगा फ्रिंजिंग फील्ड होगा। तो अब हमने माना कि इसका भी लेंथ हमने क्या मान लिया, देखो यहाँ एक चीज लिखेंगे क्या क्या हम कंसीडर करेंगे, हमने ये मान लिया कि सेपरेशन क्या है डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेपरेशन क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे कि क्या होगा कि व्हेन व्हेन आपको ये समझ में आया कि ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देयर इज ए फोर्स, देयर इज ए फोर्स ऑन द क्या होगा डायलेक्ट्रिक स्लैब एंड बिकॉज ऑफ हिस डायलेक्ट्रिक स्लैब विल क्या होगा मूव इनसाइड क्या होगा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हेंस द मोशन ऑफ द क्या होगा डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द क्या होगा पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ क्या होगा मूव करता रहेगा। आप देख सकते हो देखो अभी क्या कर रहा है खींच रहा है, जैसे ही ये इधर आएगा इधर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा फोर्स का नेचर क्या होगा एट्रैक्टिव होगा। तो व्हेन क्या होगा व्हेन डाई इलेक्ट्रिक
डायलैक्टिक स्लैब इज क्या होगा रिलीज्ड इनसाइड द पैरेलल क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स ऑन द क्या होगा ऑन द स्लैब along the surface of the dielectric slab along the surface of the kya hoga of the dielectric slab and hence kya hoga lekin kya hoga due to this force slab will kya hoga will move back and forth inside the kya hoga back and forth inside the parallel plate capacitor. आपको समझ में आया कि इस फोर्स के वजह से ही क्या होगा ये जो स्लैब होगा वो क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच क्या होगा आगे और पीछे क्या करेगा मूव करेगा इसलिए हम इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा हेंस मोशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑसिलेटरी. अब आप मैं आपको देखो इसका भी यदि हमने यहां ठीक है अब हम क्या मानते हैं कि तो आपको समझ में आया कि कोई भी पूछे कि किसके वजह से इस पे फोर्स लगता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि फ्रिंजिंग फील्ड के वजह से ही क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है स्लैब पे क्या होता है फोर्स लगता है फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से ठीक है. अब हम मान लेते हैं कि लेट क्या होगा लेट एल इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ द क्या होगा ऑफ द प्लेट एंड ये भी हम मानते हैं कि क्या होगा लेंथ ऑफ द क्या होगा लेंथ ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब दोनों हमने मान लिया. बी क्या है विड्थ ऑफ द क्या है विड्थ ऑफ द क्या होगा प्लेट ये चीज की जरूरत है. अब हम क्या करेंगे देखो ऐसे फोर्स लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट फील्ड का वैल्यू क्या है ना और फील्ड का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है तो फिर कंपोनेंट हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं. इसलिए यदि आप फोर्स ऐसे लिखना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम पढ़े हैं कि फोर्स को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं एनर्जी मेथड से. क्या है वी कैन राइट डाउन द फोर्स बाय यूजिंग एनर्जी मेथड. किस मेथड से हम लिखेंगे एनर्जी मेथड से. क्या करेंगे हम एनर्जी लिखेंगे एंड एज वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट. क्या होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. तो पहले हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर में जब कैपेसिटर क्या है प्लेट के अंदर कितना है एक्स डिस्टेंस गया है उस सिचुएशन में सिस्टम का कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसको लिखेंगे एंड अब क्या करेंगे उसको यदि हम मल्टीप्लाई उसको हम क्या करें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा फोर्स आसानी से मिल जाएगा. ठीक है तो अब इसलिए फोर्स जब हम लिखेंगे तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे एनर्जी मेथड. ऐसा क्यों क्योंकि एनर्जी मेथड से बहुत ही प्रॉब्लम क्या होता है आसान हो जाता है. ऐसे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है तो इसलिए हम फोर्स नहीं लिख सकते हैं बाय यूजिंग फील्ड कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई वी विल यूज एनर्जी कॉन्सेप्ट. एनर्जी कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे
उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बाय यूजिंग, क्या होगा, बाय यूजिंग एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे फोर्स। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर में देखो ध्यान से, एनर्जी कई तरह से, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होता है, एक तो होगा हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा क्या होगा वन बाई टू क्या होगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा सी, तीसरा क्या हो सकता है क्यू इंटू वी बाई क्या हो सकता है। अब इसमें से हम कोई भी कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, और एक ही रिजल्ट यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो प्लेट है वो क्या चीज से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम ये वाला रिजल्ट यूज करें कि एनर्जी इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू सी वी स्क्वायर। तो हम यहां से लिखेंगे, जैसे ही अपने को एनर्जी मालूम चल गया तो हम क्या लिख सकते हैं फोर्स। फोर्स कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे U इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर, तब लिखेंगे डी यू ठीक है अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे वन बाई टू डी ऑफ सी वी स्क्वायर डी एक्स, और लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू वी स्क्वायर डी सी अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है कॉन्स्टेंट है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि एफ फोर्स ऑन क्या होगा डाइलेक्ट्रिक है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी यू अपॉन क्या होगा डी एक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस वन बाई टू वी स्क्वायर डी सी अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स। यही हम क्या करेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से आप देखोगे यहाँ दो, क्योंकि कैपेसिटी जो डायलैक्ट्रिक है इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने क्या माना कि अभी क्या है एक्स लेंथ तक है, तो एक कैपेसिटर ए हो जाएगा और दूसरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यदि आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या होगा दो कैपेसिटर हो जाएगा ऐसे, आप यही आप डायग्राम ड्रॉ करो तो एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा एक ऐसे हो जाएगा ये सी वन और दूसरा क्या हो जाएगा सी टू, यही हो जाएगा कैपेसिटर। और यही क्या है देखो यहाँ हमने क्या किया है बैटरी कनेक्ट कर दिया। आपको समझ में आया, देखो ध्यान से क्या होगा कि एक कैपेसिटर ए हो जाएगा एक मैंने बताया ना कि जितने लेंथ तक क्या होगा डायलैक्ट्रिक स्लैब रखा रहा होगा उतने रेंज तक कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कितना होगा इप्सिलॉन जीरो ए के अपॉन क्या होगा सेपरेशन, यही होगा ना क्या होगा सेपरेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले अभी एनर्जी हमने यूज कर लिया, एनर्जी लिख दिया, तो अब क्या करेंगे हम सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट हम देखो तो यहाँ सी वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इप्सिलॉन जीरो के, ये कितना हो जाएगा देखो एक्स इंटू हमने माना है कि विड्थ कितना दिया हुआ है बी, तो हम क्या लिखेंगे एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी, सी टू कितना हो जाएगा इप्सिलॉन जीरो, अब क्या हो जाएगा एल, क्योंकि ये टोटल लेंथ ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा एल माइनस क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू क्या होगा बी अपॉन क्या हो जाएगा डी। अब सी इक्वल टू हम आसानी से लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्या होगा सी वन, सी वन प्लस क्या हो जाएगा सी टू, तो सी इज इक्वल टू देखो इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं इप्सिलॉन जीरो बी अपॉन हम डी कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से आप देख सकते हो क्या होगा इप्सिलॉन जीरो क्या होगा बी, तो हम लिख सकते हैं क्या के एक्स माइनस के क्या लिखेंगे के एक्स माइनस एक्स प्लस क्या होगा एल, यही सी हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो तो इप्सिलॉन जीरो बी अपॉन क्या हो जाएगा डी इंटू क्या हो जाएगा के माइनस क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप एच सी वर्मा के लास्ट में आप देखोगे तो तीन चार न्यूमेरिकल जो है केवल इस पर बेस्ड है, एनएलएम का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, एक स्लैब रख दिया गया है उसके वन एंड से क्या किया गया है एक ब्लॉक को लटका दिया गया है और फिर पूछा गया है कि इनके बीच क्या होगा फोर्स, आप कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम में है तो कितना मास होगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो आप यदि ये कॉन्सेप्ट, अब हम क्या करेंगे एक इक्वेशन ये मिला अपने को और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड,
तो लिख सकते हैं क्या कि नाउ क्या होगा, नाउ क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। तो f इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, ठीक है, इप्सिलन जीरो b अपॉन क्या होगा d इंटू क्या हो जाएगा k माइनस वन इंटू क्या होगा b स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इप्सिलन जीरो, है ना, क्या हो जाएगा इप्सिलन जीरो b b वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू क्या होगा k माइनस क्या होगा। तो यही क्या हुआ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से, फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां क्या लिखो, केवल हियर क्या होगा, हियर है ना, हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स ऑन क्या होगा स्लैब इज ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर, तो जब भी आप फोर्स क्या होगा कि ऑलवेज क्या होगा रीस्टोरिंग इन क्या होगा नेचर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वन बाई टू इप्सिलन जीरो b अपॉन क्या होगा d इंटू क्या होगा v स्क्वायर इंटू क्या होगा k माइनस क्या होगा वन। एक और रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं कि वन बाई टू, ठीक है, इप्सिलन जीरो a v स्क्वायर अपॉन d इंटू l इंटू क्या होगा k माइनस क्या होगा। दोनों में जो रिजल्ट आपको यूज करना है आसानी से क्या हो सकते कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि हेंस क्या होगा फोर्स क्या होगा, अब यहाँ से ये मालूम चल रहा है क्या होगा कि फोर्स ऑन डायलैक्ट्रिक स्लैब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर वी कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन। क्या है यहाँ से ये मालूम चल गया, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस क्या होगा, हेंस फोर्स ऑन क्या होगा डायलैक्ट्रिक स्लैब इज क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। Hence, we can use क्या होगा, we can use three kinematics equation। क्या है, अब देखो a equal to क्या हो जाएगा f, देखो तो a equal to क्या हो जाएगा epsilon zero, ठीक है, b v square k minus one upon क्या हो जाएगा 2m into d। एक्सेलेरेशन मालूम चल गया, अब लिख सकते हैं s equal to ut plus half at square v square equal to u square plus 2as and v equal to u plus क्या होगा at। ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज, हाँ एक एग्जाम ए है, ठीक है। तो ये क्या रहा फोर्स का वैल्यू रहा, ये आपको माइंड में होना चाहिए। अब देखो इससे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे, जैसे एच सी वर्मा में दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको ये फोर्स का वैल्यू क्या है याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर समय हम रिजल्ट डिराइव नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। अब हम क्या लिखेंगे कि क्या है, इसके बाद हम क्या करें, एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखो ऐसे सोचो, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टली क्या है स्लैब रखा हुआ है, ये आप सोचना ऐसे क्या है हॉरिजॉन्टल रखा गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है रखा गया है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक स्लैब है डायलैक्ट्रिक स्लैब, और यहां क्या किया गया है, ठीक है, इसके बाद यहां से है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, यहां से क्या है अब इसका प्लेट एरिया लेंथ भी बता दूं मैं, लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और ठीक है सेपरेट एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। यहां से क्या किया गया है कि यहां से एक ब्लॉक जो है जिसका मास क्या है एम,
उसको लटकाया गया है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या है, फाइंड द मास, मास ऑन क्या होगा, मास, मास ऑफ क्या होगा, ऑफ ब्लॉक, इफ द सिस्टम क्या, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है, देखो इस पे आप एफबीडी अलग अलग ड्रॉ करोगे तो देखो क्या है, एफबीडी आप ड्रॉ करोगे तो कितना होगा, अब देखो एफबीडी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखो यही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका मास हम मान लें कि कैपिटल एम दिया होगा, हालांकि उससे जो इधर क्या लग रहा है, इधर देखो क्या लग रहा है, टेंशन, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है टी, और इधर क्या लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक जो अभी हमने देखा था। अब ये क्या है, स्लैब इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक, और ये भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ, इप्सिलॉन जीरो बी वी स्क्वायर इंटू क्या होगा, के माइनस वन अपॉन क्या होगा, टू इंटू डी, यही है ना। लेकिन यहाँ क्या है, लेंथ दिया हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन जीरो ए वी स्क्वायर अपॉन टू एल डी इंटू क्या लिखेंगे, के माइनस क्या होगा। अब अपने को इस थ्रेड में क्या हुआ, टेंशन कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ कैसे है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा करके और एक पुली यहाँ रख दो, सबसे अच्छा है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, है ना, ठीक है, आप खुश हो जाओगे। नहीं तो बहुत लोग कहे हैं कि सर आप ऐसे कैसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। अब ये मिल गया, अब हम ड्रॉ करें किसका, एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ क्या है, ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का जब एफबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ क्या लग रहा है, टी, और इधर क्या लग रहा है, एम जी। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि हर पार्ट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ये इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट, और दिस इज इक्वेशन क्या हुआ सेकेंड। अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आप लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन जीरो ए वी स्क्वायर इंटू क्या होगा, के माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, टू डी एल इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इप्सिलॉन ए वी स्क्वायर इंटू क्या होगा, के माइनस वन अपॉन टू एल डी इंटू क्या होगा, यही क्या होगा, यदि इतना ब्लॉक का मास होगा तो क्या हो सकता है, ये ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में हमेशा रह जाएगा, ठीक है, ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में हमेशा रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, और भी है एच सी वर्मा का जो ये है न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, एच सी वर्मा भी दिए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन और हैं, तो आप उसको, आपको मैं सीट भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना और आपसे खुद हो जाएगा, है ना। केवल क्या करना है, फोर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, इसमें भी दिया जा सकता है कि अभी क्या होगा, इसके इसके बीच क्या होगा, यदि फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जब क्या होगा, व्हेन बैटरी विल बी क्या होगा, डिसकनेक्टेड, तो अगला जो इसमें कुछ पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो क्या दिया हुआ है कि व्हेन द बैटरी क्या होगा, डिसकनेक्टेड, तो बी जो पार्ट है, दो तरह से फोर्स पूछा जा सकता है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन बैटरी, बैटरी बिटवीन द क्या होगा, बिटवीन द प्लेट्स इज क्या होगा, नॉट कनेक्टेड, कनेक्ट नहीं किया, जब बैटरी नहीं कनेक्ट किया गया होगा तो ऑब्वियसली उस पर चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा, चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। आई मीन देखो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन ऐसे है, यही क्या है, स्लैब है, अगेन देखो हमने क्या किया है,
ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इस पर फोर्स किधर लाएगा, इधर लाएगा, ठीक है F। तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। अगेन हमने X, ये टोटल लेंथ हमने क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट हमने क्या मान लिया, D। यहाँ क्या है, ऑलरेडी पहले बैटरी कनेक्टेड था, अभी हमने क्या किया है, बैटरी को डिसकनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ऐसे है सिचुएशन। तो कॉन्सेप्ट वही है, यहां भी क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक लगेगा, ठीक है इधर। अब यहां भी हम क्या करेंगे, यहां एक चीज मानना है क्या, कि बी क्या है, बी इज द क्या है, विड्थ ऑफ द क्या है, प्लेट, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया, क्या होगा, एरिया ऑफ द क्या होगा, ऑफ द प्लेट, आई मीन क्या हो जाएगा, L इंटू क्या हो जाएगा, ये चीज आपको कंसीडर। यहाँ भी आप देखो, यहाँ क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड क्या होगा, व्हेन व्हेन बैटरी इज क्या होगा, इज डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड देन चार्ज ऑन, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर विल बी ऑलवेज ऑलवेज रिमेन क्या होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहां क्या लिखेंगे देखो, तो U इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, C, यही लिखेंगे ना। लेकिन अभी देखो यहां लिख सकते हैं du अपॉन क्या होगा, dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 क्या होगा, 2, ठीक है, 1/2 q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर dc अपॉन क्या होगा, dx, यही होगा ना, ठीक है, यही आपका। तो f इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, f इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 q स्क्वायर अपॉन क्या होगा, c स्क्वायर dc अपॉन क्या होगा, dx। अब आपने को क्या करना है, अगेन c का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। c का वैल्यू वही होगा जो हमने पहले कैलकुलेट कर किया था। यहाँ भी आप देखोगे कि दोनों दो कैपेसिटर होंगे जो क्या हो जाएंगे, अगेन पैरेलल में हो जाएंगे। क्या होगा, सर्किट जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी क्या होगा, दो कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ भी क्या होंगे दो, ये C1 हुआ और ये क्या हुआ, C2, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस, ठीक है। अब C1 देखो, C इक्वल टू क्या होगा, अगेन एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, X इंटू बी इंटू के अपॉन क्या हो जाएगा, D प्लस एप्सिलॉन जीरो B इंटू क्या होगा, L माइनस X अपॉन क्या होगा, D। यहाँ आप कॉमन भी लिख सकते हो, C इक्वल टू क्या होगा, देखो एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, B अपॉन D कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हो, K माइनस वन इंटू क्या लिखोगे, X प्लस क्या लिखोगे, L, ठीक है, यही होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन जीरो B इंटू क्या होगा, K माइनस वन अपॉन क्या लिख सकते हो, D। अब आप आसानी से इस रिलेशन में वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब फोर्स क्या है देखो, तो F इज इक्वल टू क्या है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर क्या होगा, DC अपॉन क्या होगा, DX। वैल्यू रख दो, C का भी वैल्यू रखो यहाँ, तो F इज इक्वल टू, F इलेक्ट्रिक लिख लो, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 Q स्क्वायर, आई मीन ऐसे लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू देखो इप्सिलन जीरो, 2 इंटू इप्सिलन जीरो B अपॉन D इंटू क्या लिखेंगे,
epsilon 0 b upon d into k minus 1 into x plus क्या होगा l, ठीक है, the whole square into क्या हो जाएगा epsilon 0 b into k minus 1 upon क्या हो जाएगा d। यही क्या मिला आपको फोर्स का वैल्यू मिला। यहाँ आप देखोगे कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल क्या होगा, तो व्हेन क्या होगा बैटरी इज डिसकनेक्टेड क्या होगा व्हेन बैटरी इज क्या होगा डिसकनेक्टेड एंड क्या होगा एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज्ड inside the plates of capacitor, then force will be restoring, but वैरी क्या होगा वैरी नॉन लीनियरली विथ क्या होगा विथ एक्स के साथ क्या होगा नॉन लीनियरली क्या करेगा ये वैरी करेगा क्या करेगा नॉन लीनियरली जो होगा वो क्या होगा वैरी करेगा। इसमें तो आपसे जनरली ये वाला तो शायद क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट वाला जो था वो आसान भी है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए क्योंकि जब आप एडवांस का एग्जाम दोगे तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ एक पॉइंट है जो आप सोचना कि क्या है, मैंने इसका टाइम पीरियड अभी नहीं बताया कि टाइम पीरियड क्या होगा। फर्स्ट केस में व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट द मोशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी क्या होगा पीरियोडिक, देन ऑब्वियसली देयर मस्ट बी टाइम पीरियड ऑफ द क्या होगा डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब का टाइम पीरियड क्या होगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हम आगे इसमें बस इतना ही है। अब आगे क्या पढ़ना है आपने को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ क्या है कैपेसिटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको 2-3 लेक्चर्स, क्योंकि उसमें ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।